Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. You are watching JEE live daily and I am your mathematics mentor Samir Chincholikar. Aaj bachcho hamara PNC ka lecture number 6 hai. All right, to kafi hum aage badh chuke hain PNC mein, hai na, almost end karne ki taraf badh rahe hain hum. Lekin ye chapter definitely next week mein bhi continue hoga kyunki aaj hamara 11th class ka last lecture hota hai Wednesday ko. Yes, hum next milenge Monday ko jab hum PNC continue karne wale hain, hai na. All right, aur last class mein kuch bachche yahan par mujhse pooch rahe the ki sir सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो आज उसका नंबर आ गया है. ठीक है कि आपके पास अगर कुछ मैंगोज है, कुछ एप्पल्स है, कुछ बनानाज है, आपको उसमें से अगर कुछ सिलेक्ट करने हैं, एटलीस्ट वन का सिलेक्शन करना है, तो वो कैसे करते हैं. ठीक है, और उसी चीज का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, उसी चीज का एप्लीकेशन होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाले क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये दोनों चीजें लिंक्ड है, आज हम इनका डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं. ठीक है, ऑल राइट, जो मुझे नहीं जानते उनको बता देता हूँ. आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माई बी टेक एंड एम टेक फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको बच्चों अनअकैडमी JEE टीम दिख रही है, यहाँ पर जयंत सर, पारस सर, सर और मैं जो है यहां पर, वी आर ऑन ए मिशन टू एक्चुअली प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर फ्री थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अनअकैडमी JEE चैनल. यस, बट वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ए सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म विच इज ऑल्सो ऑफ अनअकैडमी, विच इज अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. ठीक है, क्योंकि अब वो प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी फैसिलिटीज अच्छी हैं. अगर आप उसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा बूस्ट मिलेगा अपनी JEE की तैयारी में, जहाँ पर आपको एडिशनल DPPs मिलेगी सॉल्व करने के लिए, आपके डाउट्स ज़्यादा अच्छे से डिस्कस हो पाएंगे, प्लस आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज का भी एक फ़ायदा मिलेगा, जिससे आपको ओवरऑल रैंकिंग कितनी आ रही है आपकी, कहाँ स्टैंड करते हो आप बाकी कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में, उसका आइडिया ज़्यादा अच्छे से लगेगा. ठीक है, ऑल राइट, तो आई थिंक काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और जो यहाँ पर नए हैं उनसे मैं बोलूँगा कि एक बार ज़रूर आपने एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ऑल दो ये सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखा गया है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक से ज़्यादा टीचर्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, एक से ज़्यादा कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है, तो अदर देन द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th एंड 12th, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इस प्लेटफॉर्म को उठा सकते हैं बच्चे, मुझे लगता है कि जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि रिपीटर्स बच्चों को पता होता है कि उनके वीक टॉपिक कौन से, उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से. ठीक है, तो दे कैन डेफिनेटली सिलेक्ट कि नहीं, आज मैं इस पर्टिकुलर बैच में अटेंड करता हूं क्लास, आज मैं उस पर्टिकुलर बैच में अटेंड करूंगा, तो मेरे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो इन अ वेरी लेस टाइम यू कैन एक्चुअली स्ट्रेंथन ऑल योर वीक टॉपिक्स बिफोर योर मेन्स, है ना. तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म जिसका आपने यूज अच्छे तरीके से करना चाहिए. ठीक है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. ऑलराइट, वो पता चलेगा जब आपको इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो बहुत ही आसान है आज के डेट में. वैसे भी मुझे लगता है कि जहाँ पे कुछ सिटीज़ में प्रॉपर मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ या फिर प्रॉपर रोड्स भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर लोगों के पास मोबाइल होता है और इंटरनेट कनेक्शन होता है. तो आप अगर इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पे आप YouTube देख रहे हो तो ऑब्वियसली करते ही हो. ठीक है, तो आप डेफिनेटली ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, और उसके थ्रू आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. एक अलग से कोई डेडिकेटेड रूम की जरूरत नहीं है, अलग से आपको कोई एक कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली स्टडी ऑन योर मोबाइल. ठीक है, और यहाँ पर जो सारे टीचर्स आपको मिल रहे हैं, ये सारे टीचर्स और भी ज़्यादा टीचर्स अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, और आपकी हेल्प करने के लिए वो सारे टीचर्स रेडी हैं. ठीक है, तो एक सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे, है ना, तो यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं आपको, अगर आप इस पर्टिकुलर मोमेंट पर 12 मंथ्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पड़ेगा 25,500 में. ठीक है, 22,500 में, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट लेस एज कम्पेयर्ड टू अदर इंस्टीट्यूट्स जो फीस चार्ज करते हैं. ठीक है, तो आई थिंक अगर आप इसको डिवाइड करोगे पर मंथ के कॉस्ट में, इट टर्न्स आउट टू बी 1,800 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ क्वाइट लो. ठीक है, तो एक बार एक्सप्लोर जरूर करो, अदरवाइज यहाँ पर तो हम आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं ही. आई बच्चों, बात समझ में? चलो तो स्टार्ट करें आज का डिस्कशन. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था ट्राई करने के लिए. ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो आज का हमारा होमवर्क डिस्कशन क्वेश्चन जो है वो ये पर्टिकुलर है. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 14 पीपल कैन डिपार्ट इन 2 कार्स कैपेसिटी 4 एंड 2 ऑटोज ऑफ कैपेसिटी 3. ठीक है, आपके पास यहाँ पर कितने गेस्ट हैं, आपके पास गेस्ट टोटल 14 हैं, और काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर आंसर शेयर किया था चैट में, सॉरी कमेंट्स में, और मैंने देखा भी था, लेकिन आसपास नहीं है. ठीक है, इस बार बच्चों ने अच्छे आंसर नहीं दिए हैं. यहाँ पर कोई या तो 2 फैक्टोरियल भूल गया है, या फिर किसी ने डिवाइड एक्स्ट्रा करना चाहिए था वो डिवाइड नहीं किया है, या किसी ने 14C2 यूज़ किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर 14C2 वाला थॉट क्यों आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए था. ठीक है, ध्यान से सुनो जिन भी बच्चों ने आंसर दिया था. ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, 14 पीपल आपके गेस्ट है, ऐसा मानो आपने उनको डिपार्ट करने के लिए कुछ व्हीकल्स मंगा के रखे. ठीक है, ओला उबर वगैरह वगैरह, ऑटो ऑटो कुछ तो है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे आपने गेस्ट से बात करी तो उसमें से 2 लोग जो हैं वो अड़ गए. वो 2 लोग क्या बोल रहे हैं कि हम तो कार से ही जाएंगे और साथ में ही जाएंगे.
ठीक है, ये दोनों लोगों को कार से जाना ही है। तो अब यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, दैट यू आर एक्चुअली गाइडिंग योर गेस्ट कि आपने कौन से व्हीकल में जाके बैठना है। ऐसा अगर आप पिक्चर इमेजिन करोगे तो आपको आंसर लिखने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो दो लोग हैं इनको तो रूम में अलग बिठा देते हैं, ठीक है। टोटल 14 पीपल है जिनको मुझे यहाँ पे अभी भेजना है पार्टी खत्म होने के बाद में, ठीक है। इनमें से दो लोगों को तो अलग निकाल दो जो बार बार ये बोल रहे कि हमको तो कार से जाना है और साथ में जाना है, ठीक है। तो बचे कितने लोग हैं आपके पास, 12 ही लोग बचे हैं। तो आपको यहाँ पे एक्चुअली 12 लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 1, 2, 3, 4 व्हीकल से, तो 4 ग्रुप्स में आपको इनको डिवाइड करना है। लेकिन आप क्या देखते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी अगर ये दो लोग बोल रहे हैं कि कार में ही जाना है, ठीक है, तो कार में जाने के लिए इनके साथ अभी दो जगह और बची है ना, क्योंकि कार कितने कैपेसिटी की है, कार टोटल 4 लोगों को बिठा सकती है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या सोचना था आपको कि अगर आपको उनके साथ में ग्रुप कंप्लीट करना है तो आपको केवल 2 ही लोग और चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 12 में से 2 लोग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, एक 2 का ग्रुप बना लेते हैं और वैसे ही ये ग्रुप जो है उनके साथ में मिल जाएगा और एक कार में जाके बैठ जाएगा। और क्या होगा, एक दूसरी कार अगर आपको फिल करनी है तो आपको एक 4 का ग्रुप और चाहिए, और ऑटोज अगर फिल करने तो आपको 3-3 का ग्रुप चाहिए, ठीक है। 12 लोग डिवाइड हो गए टोटल। ये 2 क्यों लिखा है यहां पे, क्योंकि वो वाले 2 ऑलरेडी इनके साथ में मिल जाएंगे और टोटल 4 का ग्रुप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तो इनको ग्रुप में डिवाइड कर दो, ठीक है। यहां पर आपने अगर ग्रुप में डिवाइड करना है तो फिगर देख के लिखना, आंसर सीख लिया हमने, कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना बच्चों, यहाँ पर जो कमेंट्स में आंसर मिले मुझे उसमें यहाँ पर एक गलती ये थी कि एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल नहीं किया। यहाँ पर आपके पास 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल साइजेस सेम है, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए था। यस, ऑलराइट। तो अब यहाँ तक आके आपके पास क्या सिनेरियो जनरेट हो गया है कि आपके पास ऐसे अलग अलग लोग अभी खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 2 वाला ग्रुप है उनके साथ में आपने इनको खड़ा कर दिया, तो अब यहाँ पे 4-4 के 2 ग्रुप हो गए और 3-3 के 2 ग्रुप हो गए। लेकिन अभी और क्या करना है आपको, अभी इनको भेजना भी तो है ना। तो यहाँ पर जो 4 का पहला ग्रुप है वो ऑरेंज कार में ही बैठ सकता है और रेड कार में ही बैठ सकता है। कितने तरीके से बैठेगा वो वाला ग्रुप, 2 फैक्टोरियल वेज में बैठेगा, या तो इधर या तो उधर। और वैसे ही ऑटो वाला जो ग्रुप है वो भी क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कौन से ऑटो में उनको जाना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भी आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर था, समझे। किसी को भी अगर गड़बड़ मिला था ये आंसर तो आप करेक्ट कर लो, लॉजिक समझ लो, आया, क्लियर हुआ, समझ गए सारे बच्चे। आगे बढ़े, आज के कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होते हैं, यहाँ पर आपको बस ये ध्यान देना है कि आपने कहीं गड़बड़ कुछ मिस तो नहीं कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो आज का कंसेप्ट बच्चों जो हमें पढ़ना है दैट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक भी हम सिलेक्शन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। वहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा अलग था, मुझे बताया जाता था कि मेरे पास इतने बॉयज़ हैं इतने गर्ल्स हैं, उनमें से मुझे कमिटी बनानी है, इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स की सिलेक्ट करो, तो हम वहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला यूज़ करते थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अब पहली बात तो बोल रहा है एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना है, एटलीस्ट 1 जैसा सिनेरियो अभी तक हमने देखा नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे जाके और क्या दिक्कत आएगी इसके अंदर, सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, कुछ रिपीटेड चीज़ें भी आएंगी, तो वहाँ पे और ज़्यादा केयरफुल आपको होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने बेसिक आइडिया समझ लिया कि यहाँ पर हमें कैसा थॉट प्रोसेस रखना होता है, तो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक बार क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया कि आंसर कैसे करते हैं, तो इनका फॉर्मूला जो बुक में दिया होता है वो आपको ऑब्वियस लगेगा, ठीक है। पहले अगर फॉर्मूला देखने की कोशिश करोगे तो पहले समझ में नहीं आएगा, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू अ क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अ बास्केट कंटेन्स 5 डिफरेंट फ्रूट्स, है ना, एक बास्केट में 5 अलग अलग फ्रूट्स हैं, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन सिलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन सिलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ पिक्चर आ रहा है, आपके दिमाग में आया क्या, एक बास्केट है जिसके अंदर 5 डिफरेंट फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है, ऑरेंजेस हैं, बनाना है, मैंगो है, कुछ कुछ है, ठीक है। यहाँ पर 5 अलग अलग फ्रूट्स हैं। अब जस्ट बिकॉज उसने बास्केट बोला है इसलिए हम बास्केट इमेजिन कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा बेटर क्या होगा, ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप यहाँ पर इमेजिन करो कि यहाँ पर एक्चुअली 5 फ्रूट्स हैं और वो टेबल पर रखे हुए हैं, ठीक है। आपके पास 5 फ्रूट्स टेबल पे रखे हुए हैं और अब आप क्या करना चाह रहे हो, एज ए सिलेक्टर, एज ए पर्सन जाके इनमें से कुछ फ्रूट्स सिलेक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है कि कम से कम एक फ्रूट तो आपको सिलेक्ट करना ही है, एटलीस्ट 1 फ्रूट। आई बात समझ में, एटलीस्ट 1 फ्रूट तो आपको सिलेक्ट करना ही है। ऑलराइट, तो यहां पर आई थिंक नाउ आई कैन सी द चैट वेरी क्लियरली। ऑलराइट, यस, शिवम इज गिविंग द आंसर, यस। ऑलराइट, और कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका, शिवम आंसर दे रहा है इसका 2 की पावर 5 माइनस 1। ऑलराइट, और यहाँ पे रवि आंसर दे रहा है 5,
sky lifter answer there are 5. Oh ho. और यहाँ पर वेन्यू आंसर दे रहा है 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 का सम. यस, ऑल राइट, बहुत बढ़िया वेन्यू है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने. वो जो फॉर्मेट है वेन्यू, लेकिन है ना, उसको यहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी हमने बायनोमियल यूज़ नहीं किया है, तो हम इसको कंप्रेस करके बता नहीं पाएंगे कि उसका आंसर एक्चुअली 2^5 - 1 ही आता है. ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है यहाँ पे. मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मुझे ऐसा सिनेरियो आता है कि मेरे पास टेबल के ऊपर 5 फ्रूट्स रखे हुए हैं और मुझसे बोला गया है कितने भी फ्रूट्स उठा लो, लेकिन कम से कम एक तो उठाना है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा. अब मैं जैसा सोच रहा हूं, आपने भी अगर ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया तो आगे से आपको सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, मैं कैसे सोचूंगा कि अच्छा ठीक है, मैं टेबल के पास गया, मैं सबसे पहले क्या देख रहा हूं, बनाना. अब बनाना देख के मैं क्या सोचूंगा कि या तो मैं बनाना सिलेक्ट कर सकता हूं या तो मैं बनाना नहीं सिलेक्ट कर सकता हूं. ठीक है, दो ही केसेस आएंगे मेरे पास. अगर मैं अभी बनाना के बारे में सोच रहा हूं तो मैं क्या सोचूंगा, मैं बनाना सिलेक्ट करूं या मैं बनाना सिलेक्ट ना करूं. मेरे पास कितने केसेस हैं, बनाना के लिए मेरे पास केवल दो ही केसेस हैं. ठीक है, तो मैंने लेटर से सिलेक्ट कर लिया, ऑल राइट. लेकिन यहां बात तो खत्म नहीं होती क्योंकि वो बोला है कि एटलीस्ट वन करना है. एटलीस्ट वन करना है मतलब मैं आगे जाके भी सिलेक्शन कर सकता हूं. ठीक है, अब मैं किसके पास गया, मैं अब मैंगो के पास गया. मैंगो के पास जाके मैं क्या सोचूंगा, मैंगो में सिलेक्ट कर सकता हूं या फिर सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं. तो यहां पर मेरे पास कितने केसेस हैं, यहां पर मेरे पास दो केसेस हैं. वैसे ही दो केसेस एप्पल के लिए हैं, वैसे ही दो केसेस आपके पास गुआवा के लिए हैं, और वैसे ही दो केसेस आपके पास ऑरेंजेस के लिए हैं. ठीक है, हर एक फ्रूट के लिए आपके पास दो केसेस हैं, या तो आप उस पर्टिकुलर फ्रूट को सिलेक्ट करोगे या फिर आप उस पर्टिकुलर फ्रूट को सिलेक्ट नहीं करोगे. और आप कैसे प्रोसेस कर रहे थे, पहले आप यहाँ गए एंड देन आप उसके पास गए एंड देन आप इसके पास गए, क्योंकि आप यहाँ पे एंड बोल रहे हो, इसका मतलब क्या आएगा, इसके अंदर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा. ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा. तो कितने होगा, यहाँ पे 2^5 दिख रहा है, क्या 2^5 आ रहा है सबका आंसर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक में एक एक फ्रूट के बाद जाके सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ फ्रूट सिलेक्ट करूँ या ना करूँ. ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कि इसके आगे एक्स्ट्रा -1 भी करना पड़ता है. अभी एक्स्ट्रा -1 क्यों करना पड़ रहा है वो समझ लो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो दो केसेस बोले हैं उसमें क्या है, बनाना सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो हो सकता है नहीं किया. उसके बाद मैंगो सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है नहीं किया. वैसे ही इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया. अगर मैंने किसी को भी नहीं किया, देन इन दैट केस ये एटलीस्ट वन वाली कंडीशन गड़बड़ हो गई. मुझे एटलीस्ट वन फ्रूट तो सिलेक्ट करना ही था ना, इसलिए वो जो एक पर्टिकुलर केस है जहां पर मैंने सारे फ्रूट्स को मना कर दिया, जहां पर मैंने सारे फ्रूट्स को मना कर दिया है, वो एक पर्टिकुलर केस यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2^5 - 1. ये बेसिक कंसेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा, तो आप ऐसा आंसर अब बता सकते हो बड़ी आसानी से. यस, एक्जैक्टली 31 आंसर आएगा सौरभ, बिल्कुल सही बोल रहे हो. यस, रोहित भी 31 बता रहा है, 2^5 - 1. मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. यस, एक्जैक्टली, बिल्कुल है ना, यहां पे मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए कि यहां पे -1 क्यों किया है. गुड, वेरी गुड. तो आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और कंसेप्ट समझते हैं. यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट. कम से कम एक फ्रूट तो आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम 3 mangoes, 4 apples and 5 bananas, है ना. अच्छा, सिलेक्शन देख के अगर किसी के भी दिमाग में NCR आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है. NCR इस तरीके से सिलेक्शन एक्चुअली नहीं हो पाएगा इस पर्टिकुलर केस में. लास्ट केस में तब भी हो रहा था, जैसे एक बच्चे ने आंसर बताया था 5C1, 5C2, 5C3 वाला कंसेप्ट भी वैसे ठीक है. ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर आइडिया यही है, क्योंकि वो वाला जो आइडिया अभी हमने सीखा है उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बड़ी आसानी से. ठीक है, ऑल राइट. तो सोचो यहां पे क्या हो रहा है, देयर फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट फ्रॉम दीज मेनी फ्रूट्स. तो यहां पर फिर से ऐसा कुछ आ रहा है कि आपके दिमाग में एक बास्केट है जिसके अंदर आपके पास काफी सारे एप्पल्स हैं, काफी सारे मैंगोज हैं और काफी सारे बनानास हैं. ठीक है, ऑल राइट. अब ये फिर से लेकिन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा. ज्यादा बेटर अप्रोच क्या होगा, यहां पर ऐसा सोचो कि आपके पास क्या है, आपके पास एक्चुअली 3 अलग-अलग बास्केट्स हैं. ज्यादा बेटर आइडिया क्या होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको अरेंज करके रख देंगे तो हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, लेकिन उससे थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि सिलेक्शन हो कैसे रहा है. ठीक है, ऑलराइट. तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, यहां पर एक्चुअली आप 3 अलग-अलग बास्केट्स इमेजिन करो. एक बास्केट में केवल मैंगोज है ऐसा इमेजिन करो, एक बास्केट में केवल एप्पल्स हैं और एक बास्केट है जिसके अंदर केवल बनानास है. ठीक है, ये अगर थॉट रखोगे तो आपको यहां पर आंसर लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है, ऑलराइट. अब यहां पर जब भी आपको फ्रूट सिलेक्ट करने वाला टाइप का कोई सिलेक्शन वाला प्रोसेस आएगा, या फिर कभी भी आप अगर एटलीस्ट वन सिलेक्ट करने वाला सिनेरियो सोचोगे तो आपको हमेशा ऐसा ही करना है. ठीक है, आपके पास अलग अलग बास्केट्स हैं, हर बास्केट में सिलेक्ट करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, लेकिन हर बास्केट में लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, आप एक ही बास्केट में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं रखोगे कभी भी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा. हर बास्केट में आपके पास लाइक ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए.
ऑलराइट, तो अब मैं जाऊंगा सबसे पहले मैंगो वाली बास्केट के पास में, क्योंकि मुझे एटलीस्ट वन फ्रूट सिलेक्ट करना है ना। आप अगर इसको फील कर पाओगे तो आप आंसर भी बड़ी आसानी से लिख पाओगे। आपको अभी तक फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, तब भी आप इसका आंसर बता पाओगे, ठीक है, बड़ी आसानी से। देखो यहां पर क्या हो रहा है, मुझे एटलीस्ट वन मैंगो सिलेक्ट करना है। मैं गया इसके पास में, ठीक है, अच्छा एटलीस्ट वन फ्रूट सिलेक्ट करना है, तो मैं इस बास्केट के पास गया तो मैं क्या क्या सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा कि या तो मैं एक मैंगो उठा लेता हूं, या तो मैं दो उठा लेता हूं, या फिर मैं तीनों उठा लेता हूं। और कोई केस बनेगा क्या? या तो मैं एक मैंगो उठा लेता हूं, या तो मैं दो मैंगोज उठा लेता हूं, या तो मैं तीनों मैंगोज उठा लेता हूं, या फिर मैं एक भी मैंगो नहीं उठाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है, नई मैंगो पसंद है आपको तो मत उठाओ, समझ रहे हो। तो यहां पर एक्चुअली कितने आए केसेस आपके पास? एक मैंगो का सिलेक्शन, दो का सिलेक्शन, तीन का सिलेक्शन, या फिर एक का भी नहीं। तो इसी चीज को लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो 3+1, टोटल चार केसेस आए आपके पास में, उसको थोड़ी देर के लिए अभी मैं 3+1 लिख रहा हूं। जब मैंने एक भी सिलेक्ट नहीं किया उसको थोड़ा अलग लिख रहा हूं, और जितने मैंगोज थे क्योंकि उतना काउंट अब मुझे दिख रहा है इसलिए इसको 3 अलग से लिखा हुआ है। वैसे कितना किया हमने काउंट? 4 काउंट किया, ठीक है, ऑलराइट। वैसे ही अगले वाले बास्केट के पास जाओ, अगले वाले बास्केट में आपके पास 4 एप्पल्स रखे हुए हैं। यहां पे फिर से आप क्या सोचोगे? या तो आप एक एप्पल सिलेक्ट करोगे, या दो करोगे, या तीन करोगे, या चार करोगे, या फिर एक भी एप्पल सिलेक्ट नहीं करोगे। ये भी तो एक केस है, या तो एक भी एप्पल अब यहां इस बास्केट से सिलेक्ट नहीं करोगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो? यहां पर 1, 2, 3, 4 का सिलेक्शन, या फिर एक का भी नहीं, या फिर, इसलिए क्या किया हमने? ऐड किया इधर दिस और दैट, क्लियर। और लास्ट वाले केस में फिर से यही सेम करते हैं आपके पास, क्योंकि 5 बनाना आ जाए तो 5+1। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? लेकिन ये जो +1, +1, +1 है, ये कौन से वाले केसेस हैं? कि आपने मैंगो सिलेक्ट नहीं किया वो वाला केस, आपने एप्पल सिलेक्ट नहीं किया, आपने बनाना सिलेक्ट नहीं किया। अगर आपने कहीं पर भी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तब तो ये एटलीस्ट वन वाला कंडीशन आपने मीट ही नहीं किया, क्योंकि आपको एटलीस्ट वन फ्रूट तो सिलेक्ट करना ही था ना। तो ये एक गड़बड़ केस यहां पे काउंट हो गया है। जो केस गड़बड़ काउंट हो गया है उसको यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। यस, आई बात समझ में? किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं क्वेश्चन को, समझ में आई बात? तो यहां पर जल्दी से कैलकुलेट करके देखो, 3+1 कितना हो गया? 4 हो गया, ये 5 हो गया, वो 6 हो गया, और -1 करना है आपको, देखो कितना आंसर आएगा। 4, 5, 6 मल्टीप्लाई करो और -1 करो। यस अनुष्का, 959 कैसे आ रहा है? इतना बड़ा नहीं बनेगा। यस कैलकुलेट करो, बड़ा आसान सा आंसर निकल के आएगा। ऑल राइट तो यहां पे 119 जैसा कुछ तो आंसर मुझे ठीक लग रहा है। कौन कौन बता रहा है 119? हर्षा, श्याम, ऑल राइट निशांत, ऑल राइट निशांत है, ऑल राइट उमंग है, ऑल राइट सुमन, यश, वेरी गुड। चलो तो 119 टाइप का आंसर अगर किसका आ रहा है तो उसने ठीक ठाक कैलकुलेशन कर लिया है यहाँ पे। और कंसेप्ट तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा, कंसेप्ट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन देख के पीएनसी में सबसे बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम यही आती है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको आगे क्वेश्चंस करते आ जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ऑलराइट तो एक बार यहां पर ऐसा देख लेते हैं कि बुक्स में एक्चुअली स्टेटमेंट कैसा दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, मेरे ख्याल से अब ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी एक बार लिखा हुआ होना चाहिए, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। क्या यहां पे? द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एन कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर कैसा वाला केस आएगा? वो सबसे पहले हमने 5 अलग अलग फ्रूट्स रखे थे टेबल के ऊपर, याद आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ था? 2^5-1 आंसर आया था। ये बिल्कुल वैसा ही आंसर हर बार आता है। अगर आपके पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो 2^2 2^n-1 आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला सिनेरियो देखो क्या लिखा है यहाँ पे। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ p+q+r ऑब्जेक्ट्स, जहां पर pr अलाइक, मतलब p मैंगोज ऐसा मान के चलो, qr अलाइक, यहाँ पे Q जो है बनाना जैसा मान के चलो, एंड RR अलाइक, इसका मतलब ये कुछ तो ऑरेंजेस ऐसा मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा वाला सिनेरियो हो गया? +1, +1, +1 हर बास्केट के पास में जाके हम सोच रहे हैं कि कितने फ्रूट्स उस बास्केट में से सिलेक्ट करूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस बास्केट में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए क्या आता है? p+1, q+1, r+1, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा माइनस क्यों होता है वो भी समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। यस If n is identical, बेटा उस केस में सिलेक्शन तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बस ये बताना है कि आपने एक किया कि दो किया कि तीन किया, ठीक है, ऐसे काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर अगर मेरे पास केवल एक ही बास्केट होता है ना, अनुष्का ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ पे। यस ऑलराइट, अगर आपके पास बेटा एक ही बास्केट होता है ना, ऑल आर अलाइक, एक ही बास्केट है आपके पास, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। अगर आपके पास 3 मैंगोज है और मैं आपसे पूछूं कि कितने तरीके से मैंगो सिलेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट वन, तो 4 आंसर आएगा इसका। आगे कुछ मल्टीप्लीकेशन के लिए है ही नहीं इसके अंदर, समझे, इस तरह से आप सोच सकते हो। ऑलराइट,
लेकिन अब लास्ट वाला केस और देख लो, लास्ट वाले केस में क्या बोल रहा है ये कि आपके पास P तो अलाइक है और Q भी अलाइक है लेकिन बाकी सारे अलग अलग हैं। तो जो अलग अलग हैं उसके अंदर आप क्या सोचोगे, अलग अलग में ऐसा सोच लो कि आपके पास अगर लेटर से मैं बोलता एक ही बनाना है ना, एक ही बनाना है और एक ही गुआवा है, अगर मैं ऐसा बोलता तो उस बास्केट के अंदर आप क्या लिखते, 1+1, उस बास्केट के अंदर 1+1 लिखते इंस्टेड ऑफ 5+1, ठीक है, तो कितना हो जाता, 2 हो जाता। क्लियर है? मतलब ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये सारे फॉर्मूलेज एक ही हैं, ये सारे फॉर्मूलेज एक ही हैं। आपको क्या करना है, उस बास्केट में कितने हैं +1, अगली बास्केट में कितने हैं +1, अगली बास्केट में कितने हैं +1, इस तरह से आप सारे मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा सिलेक्शन का एटलीस्ट 1 का। लेकिन बाद में -1 करना भूलना नहीं है। क्लियर हो रहा है? बाद में -1 करना भूलना नहीं है। क्लियर हो गया? ऑलराइट, दैट्स नाइस, गुड। वाई -1 इन सेकेंड? ऑलराइट, तो यहाँ पे कृष्णपाल पूछ रहा है कि सेकंड वाले में -1 क्यों किया, सेकंड वाले में भी तो बेटर सेम सिनेरियो है ना, आपने यहाँ पे एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट बोला हुआ है। अगर आप यहाँ पे +1 +1 +1 कर रहे हो, मतलब तीनों के पास ये चॉइस है कि पहले वाले बास्केट में से आपने मैंगोज एक भी सिलेक्ट नहीं किए, दूसरे वाले में से आपने बनानाज एक भी सिलेक्ट नहीं किए, तीसरे वाले में से एप्पल आपने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, तो आपने एक भी फ्रूट सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब तो वो जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो गड़बड़ हो गया, वो वाला सिनेरियो एक सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। समझे? क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मेज अब याद हो गए ना, ये हमेशा फ्रूट बास्केट वाला एग्जांपल याद रखना, तो आपको चीजें याद आ जाएंगी हर बार। ठीक है, अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे, जो एक्चुअली उतना अच्छा दिखता नहीं है जितना अच्छे अभी हमें यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहे थे। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन एप्लीकेशन कंसेप्ट जो है यहाँ पे सिलेक्शन का वो क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछते हैं आपसे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स के भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, सारे हम देख लेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन पहले हम क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद फिर उनका फॉर्मूला देखेंगे जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, क्योंकि फॉर्मूला बड़े बड़े होते हैं, वो फॉर्मूला देखे हमें कुछ समझ में आता नहीं है और फिर जो सिंपल सा टॉपिक होता है वो हमें डिफिकल्ट लगने लगता है अननेसेसरी। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही सिंपल है, अभी आपको अगर बनानास और एप्पल सिलेक्ट करते हैं तो आप आगे जाके नंबर्स भी सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा। ऑलराइट, क्या है यहाँ पे, फॉर द नंबर एन इज इक्वल टू 2700, एक बहुत बड़ा नंबर है 2700। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ये सिमिलर क्यों है सिलेक्शन से वो आपको पहले समझना पड़ेगा आराम से। ठीक है, उसके बाद अप्लाई तो आप बड़ी जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ये सोचो कि आपके पास नंबर कितना दिया है, नंबर आपको दिया है 2700। जब भी आपको डिवाइजर्स का डिस्कशन करना होगा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहां पर इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट बेटा, यहाँ पे थर्ड वाले में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कोई यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, थर्ड वाला तो बहुत ही सिंपल केस था हमारा, थर्ड वाला जो केस था इसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि आर डिस्टिंक्ट है, रेस्ट आर डिस्टिंक्ट, जितने बचे हुए हैं सबके सब डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे जो भी डिस्टिंक्ट होता है उसके पास दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो उसको लेंगे या फिर उसको नहीं लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। कितने बार आ रहा है 2, जितने बचे हैं उतने के लिए 2 आ रहा है, तो यहाँ पे पावर में कितना लिखा हुआ है, n-p-q, क्योंकि p तो यहाँ यूज हो गए, q तो यहाँ यूज हो गए, टोटल कितने थे आपके पास, n ऑब्जेक्ट्स थे, टोटल n में से जितने बच गए थे उतने हमने पहले हटा दिए। ठीक है, जितने बच गए थे उतनी पावर बेसिकली हमने 2 के ऊपर चढ़ा दी। ठीक है, ऑलराइट, फॉर्मूला लिख लेना, है ना, ऑलराइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन, अभी फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यस सीपी, ऑलराइट, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप यहाँ पे डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 2700, आपको क्या निकाल के बताना है, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल के बताना है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, एक एक करके सारे चालू करेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया पकड़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, n दिया हुआ है 2700, क्या आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, बचपन से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये 27 × 100 दिख रहा है, ऑलराइट, तो यहाँ पे ये 3 की पावर 3 हो गया, और ये 25 मतलब कितना, ये 25 × 4 हो गए, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइज हो गया 2 की पावर 2, उसके बाद 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, ऑलराइट, ये है आपका n का वैल्यू। इस तरह से अगर मैं n को देखूंगा तो इसके डिवाइजर्स बताना ज़्यादा आसान है अब, इसके पहले इतना क्लियर नहीं था लेकिन अब बताना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अब मुझे अगर इसका डिवाइजर बताना है तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइजर हमेशा 2, 3 या 5 के मल्टीपल के फॉर्मेट में ही होगा, 2, 3 या 5, क्योंकि इसके अंदर और कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, समझे इस बात को, 2, 3 या 5। तो यहां पर मैं क्या चाह रहा हूं, आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास एक्चुअली 2 अलग अलग बॉल्स हैं जिनके ऊपर 2 लिखा हुआ है, 3 अलग अलग बॉल्स हैं जिनके ऊपर 3 लिखा हुआ है, और 2 अलग अलग बॉल्स हैं जिनके ऊपर आपके ऊपर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, आप जैसे जैसे बॉल्स सिलेक्ट करोगे
उन बॉल्स के ऊपर जो नंबर आएगा उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिवाइजर बनते हुए दिख जाएगा, ठीक है। इस चीज को विजुलाइज करते हैं, इस चीज को अगर विजुलाइज करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बड़े ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले चीजों को प्राइम फैक्टराइज किया, वो तो आपको याद हो गया होगा। अभी n जो है उसको हमने कैसा लिखा था, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहां पर कैसे इमेजिन करना होता है आपको, 2 की पावर 2 मतलब 2 जो है वो एक अलग से बॉक्स में बॉल्स ऐसा मान के चलो, कितनी है, जितना पावर है उतनी बॉल्स है, जितना पावर है उतनी बॉल्स है। तो 2 लिखी हुई कितनी बॉल्स ली मैंने, 2 लिखी हुई मैंने 2 बॉल्स ली, ठीक है। कंपेयर करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मैंगोज और एप्पल्स जैसा सिनेरियो ही है, ये समझना जरूरी है आपको, ठीक है। तो डिवाइजर्स वाले फंडे सारे क्लियर हो जाएंगे। वैसे ही 3 लिखे हुए कितने बॉल्स है, पावर कितनी है 3 की, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखे हुए 3 बॉल्स हैं। और 5 लिखी हुई कितने बॉल्स है आपके पास, 5 लिखी हुई केवल 2 बॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा करो, आप तो मुझे यहाँ पे कोई भी नंबर सिलेक्ट करके बताओ, बॉल्स अलग अलग सिलेक्ट करके बताओ। तो ऐसा किया आपने कि यहाँ पे आपने बोला कि अच्छा ठीक है, पहले जो बॉक्स है पहले बॉक्स में से मैंने एक बॉल उठा ली तो मैंने क्या लिखा हुआ देखा, 2 लिखा हुआ देखा। दूसरे में से मैंने एक बॉल उठा ली तो मैंने क्या लिखा हुआ देखा, मैंने 3 लिखा हुआ देखा। और आगे वाले में से भी मैंने एक बॉल उठा ली तो मैंने क्या लिखा हुआ देखा, 5 लिखा हुआ देखा। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 30 बनेगा। तो क्या 30 इसका डिवाइजर है कि नहीं, 30 इसका डिवाइजर है कि नहीं, बिल्कुल है, यस बिल्कुल है ना। तो यहां पर इसका क्या मतलब है, आप जितने अलग अलग तरीके से यहां पे बॉल्स का सिलेक्शन कर सकते हो उतने अलग अलग डिवाइजर्स आ सकते हैं, हर बार नंबर नया जनरेट होगा, ठीक है। आपने अगर पहले वाले में वैसे बोला कि नहीं मैं यहां से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहां से कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे 1 लिख दो, फिर कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ मतलब 0 नहीं लिखना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ मतलब 1 लिखना है, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, 2 की पावर 0 लिखेंगे। यहां पर क्या था, एक बॉल सिलेक्ट करी थी इसलिए 2 की पावर 1, एक बॉल सिलेक्ट करी थी इसलिए 3 की पावर 1, एक बॉल सिलेक्ट करी थी इसलिए 5 की पावर 1। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 ऐसा एक केस बन सकता है। यहां से 3 की मैंने कितने बॉल सिलेक्ट करी, 3 सिलेक्ट कर ली, ठीक है, तो 3 की पावर 3। और यहां से मैंने कितनी सिलेक्ट करी, यहां पे 5 की मैंने एक भी पावर सिलेक्ट नहीं करी, है ना, तो यहां पे 5 वाली बॉल सिलेक्ट नहीं करी, 5 की पावर 0, तो एक बार 27 बन गया। तो 27 भी इसका डिवाइजर है। आप जितने अलग अलग तरीके से बॉल सिलेक्ट करोगे उतने अलग अलग तरीके के आपके डिवाइजर्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब ये डिवाइजर्स वाला केस जो है वो सिलेक्शन वाले केस से बस इतना सा लगे कि इसके अंदर अलग से माइनस 1 करने की जरूरत नहीं है, अलग से माइनस 1 करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने अगर यहां सबको मना कर दिया, मैं ये नहीं लेना चाह रहा, ये नहीं लेना चाह रहा, ये भी नहीं लेना चाह रहा, मतलब आपने अल्टीमेटली लिखा कितना है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 भी तो इसका एक फैक्टर है, 1 भी तो इसका एक डिवाइजर है, समझे इस बात को। तो इस पर्टिकुलर केस में अलग से माइनस 1 करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस 1 वाला सिनेरियो कौन सा होगा, मैंने यहां से एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं करी मतलब 2 की पावर 0, यहां से भी एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं करी मतलब 3 की पावर 0, और यहां से भी एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं करी मतलब 5 की पावर 0, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। एंड 1 इज एक्चुअली अ डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, है ना, यहाँ पे 2700 का वो डिवाइजर है। तो डिवाइजर्स के काउंटिंग में मुझे वो चाहिए इसलिए अलग से माइनस 1 नहीं करेंगे, समझे यहाँ पर, यस क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले वाले बास्केट के पास जाके क्या सोचना है आपको, 2+1, या तो मैं एक बॉल सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं 2 बॉल सिलेक्ट करूंगा, या फिर मैं एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, इसलिए 2+1। अगले वाले के पास कितना आ जाएगा, 3+1, उसके अगले वाले के पास कितना आ जाएगा, 2+1, ये मल्टीप्लाई करो बताओ कितना आंसर आएगा, 3 × 4 × 3, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, 36 आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे 35 बता रहे थे, उनको क्लियर हो गई बात, यहाँ पे अलग से माइनस 1 करने की जरूरत नहीं है। एडी 70 आंसर कैसे आ रहा है, क्षितिज 12 आंसर कैसे आ रहा है चेक करो, बाकी सारे बच्चे ठीक बता रहे हैं यहाँ पे, राहुल, प्रियांशु, भावेश, यस भावेश क्या हो गया, विनू 36 बता रहा है, ऑल राइट गुड। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बच्चे समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चाह रहा हूँ आप यहाँ पे आंसर करके बताओ यहाँ पर क्या है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले थोड़े फॉर्मेट्स देख लेते हैं कैसे बुक में लिखे हुए आते हैं, ठीक है। बुक में ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है, क्या है स्टेटमेंट यहाँ पे, लेट एन इज इक्वल टू दिस, कुछ तो बड़ा सा लिख दिया, ठीक है, ये क्या है, पहले प्राइम नंबर का कुछ तो पावर है, दूसरे प्राइम नंबर का कुछ तो पावर है, तीसरे प्राइम नंबर का कुछ तो पावर है, और ऐसे kth प्राइम नंबर का कुछ तो पावर है, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चे ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे डिवाइजर इसका मतलब हमको नहीं आता, ऐसा नहीं है। आपको अगर पिछला वाला क्वेश्चन करते आ गया, मतलब क्वेश्चन करते आ गया, फॉर्मूला नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, बेसिक कंसेप्ट ये है
इस तरीके से सिलेक्शन से आपको आंसर निकालने होते डिवाइजर के, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो छोटे नंबर के लिए किया था 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, उसी को बुक में ऐसा लिखना पड़ता है क्योंकि उसको पता नहीं कि नंबर क्या है, तो जनरलाइज फॉर्मेट में लिखने की वो कोशिश करते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर इस तरह से आपने नंबर लिख दिया तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हर एक बॉक्स के पास में जाके सोचना है कि आप उस बॉक्स में से बॉल्स कितने तरीके से निकाल सकते हो। तो पहले वाले की पावर क्योंकि अल्फा वन है इसलिए उसके अंदर अल्फा वन बॉल्स होनी चाहिए, और वहां पे अगर सिलेक्शन करना है तो अल्फा वन प्लस वन, अगले में कितना हो जाएगा अल्फा टू प्लस वन, अल्फा थ्री प्लस वन, ऐसा करते करते अल्फा के प्लस वन। आगे देखो यहाँ पे माइनस वन किया हुआ नहीं है, माइनस वन किया हुआ नहीं है, समझे? यस, आई बस वन में ऑल राइट। बस इसी तरीके से यहाँ पे आपको और एक केस बता देता हूँ जहां पर एक्चुअली बोला जाता है कि वन और एन को इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज वन एंड एन आर नॉट प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। प्रॉपर डिवाइजर्स कैसे होते हैं, वन और एन को एक्सक्लूड करके जो डिवाइजर्स आते हैं उनको हम प्रॉपर डिवाइजर्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। जैसे मैंने तो आपसे क्या पूछा था, मैंने डायरेक्टली आपसे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछ लिए थे, इसलिए यहाँ पर मैंने 36 इसका करेक्ट आंसर बताया था। अदरवाइज यहाँ पर अगर मुझे प्रॉपर डिवाइजर्स पूछे जाते तो मैं यहाँ से 2 सबट्रैक्ट करता, क्योंकि इसके अंदर 1 भी काउंटेड है और यहाँ पर 2700 भी काउंटेड है जिनको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमारा सेकंड केस है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपसे बोलता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताओ एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, अगर उनको एक्सक्लूड करना है तो अलग से माइनस 2 कर लो, फॉर्मूला सेम है लेकिन एक्स्ट्रा माइनस 2 कर लिया, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट को अगर आप यहाँ पर करने जाओगे एक अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 4, डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 4, तो इसको कैसे करेंगे। अब अगर आप पूरी तरह से अगर फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ डिस्कशन तो किया हुआ नहीं है, तो इसीलिए वो सिलेक्शन वाला कंसेप्ट सीखना ज्यादा बेहतर है क्योंकि आपको ये आंसर निकालते हैं बड़ी आसानी से आ जाएगा आपके दिमाग में। तो क्या आना चाहिए, क्योंकि आपके पास नंबर 2700 है, मतलब ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 वाला नंबर है, ठीक है। अब आप कैसे सोचोगे इसके अंदर, अच्छा अगर मुझे यहां पर यह चाहिए कि नंबर डिविजिबल बाय 15 होना चाहिए, क्योंकि आपका जो नंबर डिवाइजर बन रहा है वो डिविजिबल बाय 15 होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कम से कम एक तो 3 आए और कम से कम एक तो 5 आए, एक 3 और एक 5 तो लेना जरूरी है, अदरवाइज नंबर कभी भी डिविजिबल बाय 15 नहीं हो सकता, समझे इस बात को। यहां पर अगर मैंने सोचा कि यहां पर मैं 3 नहीं लेता, एक 2 ले लिया एक 5 ले लिया, 10 बन गया, 10 डिवाइजर है लेकिन 10 15 से डिविजिबल है क्या, नहीं। यहां पर अगर मैंने यहां पे दोनों 2 ले लिए दोनों 5 ले लिए, दोनों 2 ले लिए दोनों 5 ले लिए, तो क्या हो गया यहां पर 100 बन गया, लेकिन 100 भी तो 15 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 15 से डिविजिबल होने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा 3 भी चाहिए होता है, ठीक है। जब तक 3 वाला सिलेक्शन नहीं करोगे तब तक डिविजिबिलिटी आपको 15 से नहीं मिलेगी। तो यहां पर क्या कंडीशन आती है, जैसे आपने बोला 15 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो एक तो आपको इस बॉक्स में से उठाना ही पड़ेगा और इस बॉक्स में से भी आपको एक बॉल तो उठाना ही पड़ेगा क्योंकि इनके प्रोडक्ट करके आपको 15 मिलेगा। एक से ज्यादा उठा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक से ज्यादा उठा के देखो, यहां पर आपने इनको दोनों उठा लिया और यहां से एक उठाया, 75 बन रहा है, 75 इज डिविजिबल बाय 15, क्लियर है, ऑल राइट। लेकिन आगे क्या दिया है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, अगर आपको ये चाहिए कि डिविजिबल बाय 4 ना हो तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि यहां पर पहले वाले बॉक्स में से मैं कभी भी दोनों बॉल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने दोनों बॉल्स को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा डिवाइजर 4 का मल्टीपल हो जाएगा, और अगर वो 4 का मल्टीपल हो गया देन इन दैट केस आपको 4 से डिविजिबिलिटी मिल जाएगी जो आपको नहीं चाहिए, समझ रहे हो इस बात को। तो मैं कैसे सोचूंगा, पहले वाले में क्या रिस्ट्रिक्शन आया, मैं यहां से या तो एक ले सकता हूं बॉल या फिर एक भी ना लूं तो भी चलेगा, लेकिन दोनों बॉल एक साथ नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहां पर पहले हमने क्या लिखा था, 2 प्लस 1, अभी क्या लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे। कौन सा वाला केस हटा दिया, जब मैंने दोनों बॉल्स को सिलेक्ट कर सकता था वो वाला केस मैंने हटा दिया, या तो एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं करूंगा या फिर बस एक सिलेक्ट करूंगा, ऑलराइट। और क्या करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के बोलेंगे कि यहां पे एक भी बॉल सिलेक्ट ना करें ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप एक करो या दो करो या तीन करो, तो यहां पर आएगा 3, और वैसे ही आगे वाले में जाओ यहां पर आप एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं करते ऐसा नहीं हो सकता, तो आप या तो एक करोगे या फिर दो करोगे, तो यहां पर कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो आपका कितना बन रहा है, ये 12 बन रहा है, ठीक है, 12 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑल राइट। संकेत इसका 12 बता रहा है, विनू भी इसका 12 बता रहा है, ऑल राइट, यस। बाकी बच्चे समझ पा रहे इस बात को, माहिर 18 कैसे आ रहा है बेटा चेक करो एक बार, यस। निधि 24 आ रहा है आपका चेक करो, 12 आना चाहिए, यहाँ पर शायद आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप ये जो बॉल्स हैं इसमें से एक एक तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके अंदर से आप एक्स्ट्रा एक जो डबल वाला केस है उसको हटाना पड़ेगा, वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्लियर हुआ,
यस, ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स. अब ये जो सिनेरियो है ये बिल्कुल ही अलग है, ये जो सिनेरियो है सम ऑफ डिवाइजर्स का ये बिल्कुल ही अलग है. यहाँ पे अब ध्यान से देखो हम कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी पता है नंबर तो क्या चल रहा है, नंबर तो मेरे पास 2700 ही है. नंबर इज 2700, तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 में. हर डिवाइजर वाले क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही होता है. ठीक है, ऑलराइट. अब मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपको लिख के बताता हूँ. ठीक है, बेसिक आइडिया इज अगेन सेम कि यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे दो बॉल्स पे दो लिखा हुआ है, तीन बॉल्स पे तीन लिखा हुआ है और दो बॉल्स पे पांच लिखा हुआ है. ठीक है, लेकिन अब मैं एक एक करके आपको एक स्टेटमेंट लिख के कैलकुलेट करके बताता हूँ कि जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ उससे वाकई सम ऑफ डिवाइजर आने वाला है. ठीक है, समझो इस बात को. यहाँ पे मुझसे जब भी कोई पूछेगा सम ऑफ डिवाइजर तो मैं ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिख के आंसर बताऊंगा उसको, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2. ठीक है, यहां पर जो भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इससे आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, इससे आंसर आ जाएगा, लेकिन क्यों इससे आंसर आएगा वो डिस्कस करते हैं अभी. ठीक है, ऑलराइट. तो यहां पर पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सारे इंडिविजुअल केसेस क्या हैं. ठीक है, 2 की पावर 0 मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, इस वाले बॉक्स में से एक भी मैंने 2 का बॉल सिलेक्ट नहीं किया. 2 की पावर 1 मतलब इस बॉक्स से एक सिलेक्ट किया, 2 की पावर 2 मतलब इस बॉक्स से मैंने 2 सिलेक्ट किए. तो जो जो हम इस बॉक्स से सिलेक्शन कर सकते थे वो सारे केसेस यहां पर इन्वॉल्व हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए. ठीक है, वैसे ही 3 वाले बॉक्स से हम जितने भी केसेस जनरेट कर सकते थे वो सारे यहां पे जनरेट करके लिखे हुए हैं और 5 वाले भी सारे केसेस जनरेट करके लिखे हुए हैं. ठीक है, अगर आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करोगे सो यू विल गेट ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट्स ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स कनेक्टेड बाय प्लस साइन. अगर आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करके देखते हो तो आपको एक्चुअली सारे डिवाइजर्स बनते हुए दिख जाएंगे आपके आंखों के सामने. ठीक है, कैसे होगा, जैसे मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं, मैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिवाइजर जनरेट होना चाहिए, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1 जनरेट हो रहा है. इसका मतलब 1 डिवाइजर है कि नहीं, यस 1 डिवाइजर है. ऑलराइट, अगला नंबर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, ये कौन सा नंबर जनरेट हो रहा है, अगला नंबर जो जनरेट हुआ दैट इज 3. 3 भी डिवाइजर है कि नहीं, बिल्कुल है. अब पहले आया था 1, उसके बाद प्लस साइन आएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, प्लस साइन आएगा उसके बाद 3 लिखा हुआ है, तो 1 है प्लस 3 है, 2 डिवाइजर तो ऐड हो गए. जैसे जैसे आप ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश करोगे सारे डिवाइजर यहां पे आपको बनते हुए दिख जाएंगे. सबसे बड़ा डिवाइजर कब बनेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2. इस केस में क्या बनेगा, इस लास्ट वाले केस में आपको मिलेगा 2700 पूरा का पूरा. तो यहां पे 1 से लेके 2700 के बीच में जितने भी डिवाइजर्स बन सकते थे इस ब्रैकेट को ओपन करके सारे बन गए. ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई आपसे सम पूछेगा, सम ऑफ डिवाइजर्स पूछेगा, तो आपको इस एक्सप्रेशन को लिख के, यस इस एक्सप्रेशन को लिख कर आपको सॉल्व करना है. अगर आपके पास बहुत ज्यादा टर्म्स हैं तो आप यहां पे जीपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे हर ब्रैकेट के अंदर जीपी बनते हुए आपको दिख रहा होगा. ठीक है, तो कई सारे बुक्स में जीपी का फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई किया हुआ होता है. ठीक है, लेकिन आप तो ये समझो कि इसके अंदर क्या लिखना होता है, आपके पास नंबर क्या है, 2, 2 के पावर में क्या क्या लिखना है, 0 से लेके कितने बॉल्स है उतना लिखना है. ठीक है, ऑलराइट, अगला क्या है, नंबर 3 है उसके पावर में क्या लिखना है, 0 से स्टार्ट होकर कितने वहां पे बॉल्स है उतने लिखना है, और वैसे ही 5 की पावर में क्या लिखना है, जितने बॉल्स है वहां तक आपको 0 से लेके ले जाना है सारे पावर्स. ठीक है, ऑलराइट, दिस गिव्स यू योर आंसर. एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, बड़ा सा आंसर आएगा कुछ तो. ठीक है, ऑलराइट, किसी ने अगर कैलकुलेट किया है तो बता दो मुझे. क्लियर हो रहा है, ऑलराइट, नमो सर इज बेस्ट, ऑलराइट, आर्यदीप बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, ऑलराइट, 8680 आंसर आ रहा है क्या इसका, ऑलराइट, ठीक है. आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन काफी डिसेंट था, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हम ऐसा आंसर लिखने से, वैसा एक्सप्रेशन लिखने से आंसर क्यों निकाल पा रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट, इसको अगर ओपन करोगे तो वाकई सारे डिवाइजर्स आपको एडिशन के फॉर्मेट में लिखे हुए दिखाई देंगे, इसलिए ये एक्सप्रेशन करेक्ट है सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए. ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर अगर मैं वेरिएशन कर दूं थोड़ा सा तो क्या आप सोच पाओगे कि वेरिएशन का आंसर कैसे निकल के आएगा. आई थिंक ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो बुक्स में दिया हुआ होता है, ठीक है, तो बुक्स में फिर से कैसा दिया रहेगा, कोई तो एक नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाते हैं वो, कि यहां पर प्राइम फैक्टर 1 की पावर कितनी है, प्राइम फैक्टर 2 की पावर कितनी है, ऐसा लिखा हुआ है. और सम ऑफ डिवाइजर जब भी वो लिखने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा, पहला प्राइम फैक्टर की पावर कहां से कहां तक ले जानी है, 0 से लेके कहां तक ले जानी है, 0 से लेके अल्फा 1 तक ले जानी है.
जीरो से लेके अल्फा वन तक, अल्फा वन क्या है जो पी वन का पावर है वहां तक ले जाना है, ठीक है। वैसे ही अगला वाला ब्रैकेट, वैसे ही अगला वाला ब्रैकेट, ऐसे सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है। क्यों आ रहा है वो हमने यहाँ पे केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मेरी कोशिश ये है कि आपको फॉर्मुलेस समझ में आ जाए, क्योंकि जब भी आप बुक्स में फॉर्मुलेस देखोगे तो आपको एकदम से देख के क्लियर नहीं होगा, या फिर आपको पहली बार में डर लग जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम विच आई नोटिस इन माई एक्सपीरियंस, है ना, बच्चों को ये दिक्कत आती है। डिवाइजर्स वाले क्वेश्चन नहीं बनते, ये उनका यूजुअल प्रॉब्लम होता है, जबकि डिवाइजर्स वाले क्वेश्चन एक्चुअली सिलेक्शन वाले क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, गुड। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता हूं इसके अंदर, तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? फाइंड द सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, फाइंड द सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, इस केस में कितना आएगा? अच्छा 9480 थोड़ा गड़बड़ आंसर बेटा, है ना ओपी सिंह, 9480 तो नहीं आएगा, 8 समथिंग आएगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। 8680 ठीक लग रहा है तभी प्रियांशु का आंसर, है ना। ऑल राइट, चलो एक बार यहां पे भी देखते हैं। 7 × 40 × 31 नहीं, यहां पे कुछ गड़बड़ किया है ओपी सिंह आपने, है ना, एक बार चेक कर लो। यहां पे कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे बोलूंगा फाइंड द सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, देन इन दिस केस आपने क्या सोचना चाहिए कि सारे वही नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आए जो इवन डिवाइजर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इवन डिवाइजर्स ही बनाना है तो आपको किस बात की गारंटी लेनी है? आपको इस बात की गारंटी लेनी है कि इस बॉक्स में से कम एक तो बॉल आना चाहिए टू वाला, क्योंकि इवन कौन बनाता है? टू ही बनाता है। तो अगर टू नहीं गया है मल्टीप्लीकेशन में तो इवन कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब टू तो आपको सिलेक्ट करना ही है, दिस इज द ओनली चेंज, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वैसे लगाओ। तो मतलब क्या नहीं लिखना है उस फॉर्मूले में? टू की पावर जीरो वाला टर्म नहीं लिखना है। टू की पावर जीरो मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है वो? कि हमने इस पर्टिकुलर बॉक्स में से एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं करी, ये हमको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहां पर कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे हम? टू की पावर वन से स्टार्ट करेंगे आपकी बार, ठीक है। टू की पावर वन, टू की पावर टू, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। थ्री की पावर जीरो हो सकता है, लेकिन थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, और लास्ट में कितना आएगा? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो, ये एक्सप्रेशन आपको वो नंबर्स देगा, वो सारे नंबर्स का सम देगा जो इवन डिवाइजर्स हैं। क्लियर हो रही बात? जो इवन डिवाइजर्स हैं। ऑलराइट, तो यहां पर आई थिंक डिवाइजर्स वाला कंसेप्ट धीरे धीरे आपको सबको क्लियर हो रहा है, सिलेक्शन वाला ही ये कंसेप्ट, ठीक है। यहां पर हमने क्या चेंज किया है? इस पर्टिकुलर केस में हमने 2 की पावर 0 वाला सिनेरियो हटा दिया है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इवन डिवाइजर्स बना के बताना, तो इवन डिवाइजर्स बनाने के लिए मुझे एक 2 तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे उनको ऐड करते जाएंगे, इस एक्सप्रेशन से ऑटोमेटिकली एडिशन भी हो जाता है, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक दैट इज इट। लेकिन एक डिवाइजर में लास्ट जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो डिवाइजर से रिलेटेड है, है ना, वो क्या है कि यहां पर आपको अगर n को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, ठीक है, किसी एक नंबर को आपको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में x इंटू वाई में, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कि इट इज रिजॉल्व्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, इट इज रिजॉल्व्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर कैसे निकालेंगे? रिजॉल्व्ड इंटू टू फैक्टर्स। तो यहां पर आपने ये सोचना चाहिए कि एक्चुअली नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाला ही फंडा चल रहा है, लेकिन क्योंकि रिजॉल्व कर रहे हैं इसलिए एक ही साथ में आपको दोनों डिवाइजर्स दिख रहे हैं, एक ही साथ में आपको दोनों डिवाइजर्स दिख रहे हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ रिजॉल्व्ड जो एक्सप्रेशंस बनेंगे वो नंबर ऑफ डिवाइजर के आधे बनेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर के आधे बनेंगे। एक सिंपल से एक्सप्रेशन से समझाता हूं, फिर वापस हम इस फॉर्मूले पे आते हैं, वही प्रैक्टिस अपनाते हैं, पहले क्वेश्चन से समझते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या नहीं याद किया तो भी चलेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है यहां पे? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू फैक्टर्स। 12 बहुत ही सिंपल नंबर है, नंबर ऑफ वेज इन विच 12 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू फैक्टर्स। तो यहां पर कैसे कैसे सोचना स्टार्ट कर सकते हो आप? दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि आप क्या करोगे यहां पे, कि अच्छा इसको 1 × 12 लिख सकते हो, या फिर इसको 2 × 6 लिख सकते हो, या फिर इसको 3 × 4 लिख सकते हो, या फिर आप इसको 4 × 3 लिख सकते हो, या फिर 6 × 2 लिख सकते हो, या फिर आप इसको 12 × 1 लिख सकते हो, ठीक है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आने चाहिए थे क्या? 6 ही यहां पे क्या डिवाइजर्स आने चाहिए थे? ये सारे के सारे इसके डिवाइजर्स हैं। तो एक बार चेक कैसे करेंगे? 12 को आप लिखोगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, तो यहां पे दो बॉल से यहां पे एक बॉल है, तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 × 1 + 1, तो ये हो गया आपका 3 × 2 = 6, ठीक है। तो इसके 6 ही डिवाइजर्स बनने चाहिए थे, हमने 6 के 6 डिवाइजर्स लाइन से लिख दिए। तो ऑब्वियसली अगर मैंने 1 डिवाइजर सिलेक्ट किया है तो अगला वाला रिजल्ट जो इसका फैक्टर आएगा वो 12 आएगा, लेकिन अगर मैंने 4 सिलेक्ट किया है तो अगला वाला ऑटोमेटिकली 3 आएगा। अब लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इन हाउ मेनी वेज 12 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू फैक्टर्स, तो यहां पर आपने ये नोटिस करना चाहिए कि यहां पर ऊपर वाले जो 3 रिजॉल्व करने के तरीके हैं और नीचे वाले जो 3 रिजॉल्व करने के तरीके हैं, ये एक्चुअली सेम है, बस 4 और 3 का लोकेशन चेंज करने से यहां पर इन केसेस को अलग अलग तो नहीं काउंट करने लग सकते हम, ठीक है। तो यहां पर आप क्या नोटिस करोगे कि जितने भी आपके पास टोटल डिवाइजर्स आए थे
उनके आधे ही केसेस रिजॉल्व वाले के आंसर होना चाहिए. तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो भी हैं उनको आप 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आए हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर 6 आए हैं. उनको हमने अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास यहां पे क्लियरली 3 अलग से नजर आ रहा है. ठीक है, आई बस समझ में क्लियर हो गया. यस 6 आएगा इसका बिल्कुल. इज रिपीटेशन अलाउड, ये क्वेश्चन यहां कैसे आया ओपी सिंह? रिपीटेशन अलाउड मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स जब भी रिजोल्व करने के लिए बोलेंगे तो यहां पर 4 और 3 को और 3 और 4 को अलग अलग मानना है. ठीक है, ऑल राइट. लेकिन यहां पर एक सिनेरियो और है जिस वजह से यहां पे दो अलग अलग फॉर्मेट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं. ठीक है, दो अलग अलग फॉर्मेट्स कैसे, यहां पे बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है क्या? यहां पर अल्फा प्लस वन, अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन, अल्फा के प्लस वन को डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया है, जबकि नीचे वाले में उस चीज में 1 ऐड करने के बाद में 2 से डिवाइड किया है. दूसरे वाले में n में 1 ऐड करके उसको फिर बाद में 2 से डिवाइड किया है. और केसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड n इज अ परफेक्ट स्क्वायर. n अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये प्लस 1 क्यों करना पड़ता है वो एक बार देख लेते हैं. यस ऑल राइट, तो यहां पर 36 एग्जाम्पल के साथ में समझ के देखते हैं. अगर मेरे पास 36 एग्जाम्पल है तो इसको रिजोल्व कैसे करेंगे हम, मतलब कितने डिवाइजर्स होंगे पहले ये देख लेते हैं. यहां पर हो जाएगा ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, मतलब यहां पे सॉरी 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, मतलब टोटल 9 हो जाएगा. तो यहां पर टोटल अलग अलग 9 डिवाइजर्स इसके लिखने चाहिए हमने. ठीक है, तो एक बार लिख के देखते हैं हमें लिखते आएगा क्या. यहां पर अगर मैं इसके 9 डिवाइजर्स लिखने जाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 6, 9, 12, 18, 36, है ना, इस टाइप के डिवाइजर्स बनेंगे इसके. ऑल राइट, अब हर डिवाइजर के लिए अगर मैं फैक्टर सोचने जाऊं कि इसका साथ वाला रिजॉल्व फैक्टर कितना होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सोच सकता हूं मैं 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ताकि 36 बने, 36 लिखना पड़ेगा, इसके अंदर 18 लिखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा 12, उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उल्टी गाड़ी चला देते हैं इसके बाद, है ना, 4, 3, 2 एंड 1. ऑल राइट, तो आप क्या देख पा रहे हो यहां पे, यहां पर आप ये देख सकते हो कि यहां पे आपके पास क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आए हैं तो आपको नंबर ऑफ रिजॉल्व वैल्यूज अगर कोई पूछता है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करने से काम नहीं बन रहा. ऑड वैल्यू अपॉन 2 तो ये तो फ्रैक्शन आ जाएगा एक. ठीक है, और ये प्रॉब्लम क्यों आई है, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो दो बार रिपीट नहीं हुई है, हर एक कॉम्बिनेशन दो दो बार रिपीट हो रहा है. 4 9, 4 9 है तो यहां पर 9 4 भी है, 3 12 है तो 12 3 भी है, 2 18 है तो फिर 18 2 भी है, और ऐसे ही 36 1 वाला भी सिनेरियो है. ठीक है, लेकिन 6 6 वाला जो सिनेरियो है वो एक ही बार लिखा हुआ है. तो अब अगर मुझे एक्चुअली ये चाहिए कि कितने तरीके से अलग अलग तरीके से रिजोल्व हो सकता है, तो मैं 1 2 3 4 5 आंसर दूंगा मैं इसका. इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए. अब वो 5 कैसे आएगा, वो 5 ऐसे आएगा कि आपको इसमें 9 प्लस 1 करके हाफ करना पड़ेगा. ठीक है, 9 प्लस 1 करके हाफ करना पड़ेगा, मतलब आप क्या बोल रहे हो, थोड़ी देर के लिए यहां पर 6 इंटू 6 को भी अलग से एक बार रिपीट कर लो, और रिपीट कर लोगे तो टोटल 10 हो जाएंगे, और फिर उसका आधा कर लो, तो आधा कर लेंगे तो नीचे वाले तो हट ही जाएंगे, साथ साथ ये एक्स्ट्रा जो हमने लिखा था वो भी हट जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो यहां पर ये बस थोड़ा सा कैच होता है कि आपके पास जो नंबर है वो यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. समझे इस बात को, अगर एन परफेक्ट स्क्वायर है देन इन दैट केस एक्स्ट्रा प्लस 1 नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, अदरवाइज डायरेक्टली नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2. ठीक है, ये एक तरीका होता है यहां पर रिजॉल्व करने का. तो इसी के साथ हमारा जो भी यहां पे डिस्कशन होता है डिवाइजर्स को लेके वो कंप्लीट हो गया. डिवाइजर्स को लेके जितना भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी फॉर्मेट के कहीं ना कहीं मैच होने वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो यहां पर आगे बढ़ते हैं कंटेंट के साथ में, और ये देखते हैं कि एक लास्ट जो हम टॉपिक आज डिस्कस करना चाह रहे हैं वो क्या है. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये वाला. इसके अंदर क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है फिर से. लेकिन आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वो कहां से था, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पर एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना था, एटलीस्ट एक फ्रूट सिलेक्ट करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था. लेकिन अब क्या करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो अभी भी है लेकिन कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके बताना. यहां पर एग्जैक्टली 4 फ्रूट सिलेक्ट करके बताओ या फिर एग्जैक्टली 3 फ्रूट सिलेक्ट करके बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है, हमारे पास 9 बॉयज है उसमें से आपको 4 बॉयज सिलेक्ट करना है, तो एग्जैक्टली 4 बॉयज ही तो हम सिलेक्ट करते थे, तो 9C4 से आना चाहिए था उसका आंसर. ये अलग से टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी बच्चों आपको ये समझना कि ये टॉपिक अलग क्यों है. सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में एग्जैक्ट नंबर अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो अलग क्यों है. ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज के सिलेक्शन से अलग इसलिए है क्योंकि इस केस में आपके पास सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है,
NCR का फॉर्मूला केवल तभी लगता है जब सारे के सारे N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए होते हैं तब। लेकिन इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास 6 एप्पल्स हैं, आपके पास 5 मैंगोज हैं और आपके पास 4 बनानास हैं। ठीक है, आपके पास 6 एप्पल्स हैं, सारे के सारे 6 एप्पल एक जैसे दिखेंगे, ये तो लाइक ऑब्जेक्ट्स हो गए ना। वैसे ही आपके पास 5 मैंगोज हैं, सारे के सारे मैंगोज एक जैसे दिखेंगे और आपके पास 4 बनानास हैं, सारे के सारे बनानास एक जैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 फ्रूट सिलेक्ट करके बताओ, तो अगर किसी बच्चे ने इसके अंदर 15C4 कर दिया तो बिल्कुल गलत आंसर आएगा। अगर किसी को भी ये देखते समय ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर 15C4 से आएगा तो वो गलत है। समझे इस बात को। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने ये बात समझनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बेटा इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया है, सिलेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस जो एक बढ़िया सा टॉपिक होता है वो भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको दे रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 तो कितने आंसर आना चाहिए उसके। ठीक है, ये जो टॉपिक होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यस भावेश, तो उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। भावेश, आई थिंक यू टोल्ड कि यहाँ पे आपका नाम भावेश नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भावेश दिख रहा है तो वही मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, ऑल राइट, चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यस, प्लस पे कोई स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ क्या? हाँ सर्वेश, कल मैं ले रहा हूँ स्पेशल क्लास। ठीक है, ITF की स्पेशल क्लास ले रहा हूँ मैं कल, है ना, एक बार वो एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको स्पेशल क्लासेस में इंटरेस्ट है तो। ऑलराइट, अच्छा तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है, एक ओपी सिंह बोल रहा है कि यहाँ पे 6C4 इंटू 5C4 इंटू 4C4 नहीं, बिल्कुल गड़बड़ आंसर आएगा ओपी सिंह इससे, है ना। 6C4 इंटू 5C4 इंटू 4C4 इससे करना क्या चाह रहे हो, एक तो इंटू कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ से 6 में से 4 सिलेक्ट किए एंड देन 5 में से 4 सिलेक्ट किए एंड देन 4 में से 4 सिलेक्ट किए, मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट आप फिर से गड़बड़ ये कर रहे हो कि आप सी का फॉर्मूला लगा रहे हो। अगर आपके पास 6 एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं तो एनसीआर नहीं लगता। फिर से सुनो, एनसीआर तभी लगता है जब आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तभी एनसीआर का फॉर्मूला लगता है। तो एनसीआर इस क्वेश्चन में लगेगा नहीं, तो मेथड समझो क्या है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में अब मुझे अगर 4 फ्रूट्स सिलेक्ट करना है तो मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करूंगा वो सुनो। यहां पर मैं ऐसे कैसे सोचूंगा, सबसे पहला केस कि क्या ऐसा सिनेरियो जनरेट हो सकता है कि मैंने सारे के सारे सेम फ्रूट सिलेक्ट कर लिए, ऑल सेम, क्या ऐसा सिनेरियो जनरेट हो सकता है। अगर मुझे एग्जैक्टली 4 सिलेक्ट करना है तो क्या ऐसा हो सकता है कि चारों मैंने बनानास ले लिए, या चारों मैंगोज ले लिए, या चारों मैंने एप्पल्स ले ली, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या सोचूंगा, यहां पर जब मैं ऑल सेम वाला सिनेरियो सोचूंगा तो आपको क्या बोलना है, यहां पर आप हमेशा टाइप ऑफ फ्रूट को इंपॉर्टेंस दोगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, यहां पर ऑल सेम मतलब क्या है, टाइप ऑफ फ्रूट्स सारे सेम है। तो यहां पे कितने टाइप ऑफ फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, यहां पे आपको 3 अलग अलग टाइप ऑफ फ्रूट्स दिख रहे हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी एक टाइप को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, 3 में से कोई से भी एक टाइप को सिलेक्ट कर लो। आपने लेटर से सिलेक्ट कर लिया मैंगो, अब मैंगो के आपको सारे के सारे 4 मैंगो उठाने पड़ जाएंगे क्योंकि आप कौन सा केस का आंसर लिखना चाह रहे हो, ऑल सेम, ऑल सेम फ्रूट्स मैंने चारों सिलेक्ट किए, इसके कितने तरीके हैं, तो इसके 3C1 इंटू 1 लिखना चाह रहे हो अलग से लिखो, अदरवाइज तो इसके 3 ही तरीके हैं। 3 तरीके कैसे, प्रैक्टिकली देखना बहुत ही आसान है, या तो आपने सारे के सारे एप्पल्स सिलेक्ट कर लिए, चारों के चारों एप्पल सिलेक्ट कर लिए, या फिर आपने चारों के चारों मैंगो सिलेक्ट कर लिए, या फिर चारों के चारों बनाना सिलेक्ट कर लिए। समझे बात, यस क्लियर हो रहा है बेटा। यहाँ पे जो भी बच्चे सी वाला फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, है ना, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, वो गड़बड़ है। ठीक है रामकृष्ण, यहाँ पे 10C4 वाला फंडा नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, कभी भी मत लगाना अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। वही हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि ऐसा अगर गड़बड़ हो रहा है तो अब तरीका क्या है। तो यहाँ पर तरीका है कि आपको अलग अलग सिलेक्शन के मेथड्स के केसेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और सेकंड केस क्या बन सकता है, सेकंड केस ये बन सकता है कि अच्छा मुझे 4 सिलेक्ट करना है ना, सारे के सारे सेम नहीं उठाता मैं क्या करता हूँ, 3 सेम उठा लेता हूँ और एक डिफरेंट उठा लेता हूँ। ये भी तो एक केस कर सकता हूँ मैं, है ना, मैंने क्या किया, 3 एप्पल्स उठा लिए और एक मैंगो उठा लिया, ये भी तो एक सिलेक्शन का तरीका हो गया। एग्जैक्टली 4 फ्रूट सिलेक्ट करने का एक तरीका हो गया। अब अगर मैं सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है मुझे यहाँ पे 3 सेम करने हैं और एक डिफरेंट करना है, तो मैं कैसे सोचूंगा, अब यहाँ पर इसका मतलब मेरे पास, मैं पूछूंगा कि कितने टाइप ऑफ फ्रूट्स मैंने सिलेक्ट किए, तो मैंने 2 ही टाइप ऑफ फ्रूट सिलेक्ट किए, एक टाइप है उसको 3 बार रिपीट किया और दूसरा टाइप है उसको एक ही बार लिया। समझो इस बात को, ठीक है, ऑल राइट। यस बेटा, जो यहाँ पे बच्चे बोल रहे कि समझ में नहीं आ रही, उन्होंने और पहले तो यहाँ पे दिमाग से जो आपका कचरा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ऑलरेडी कोई मेथड पता है
जिससे आप आंसर निकालते हो, ठीक है, और उससे अगर गलत आंसर आते हैं तो भले तो आपको मानना पड़ेगा कि मेथड गलत है, उससे आंसर नहीं आते, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे नया कंसेप्ट ऐसा मान के समझो, ठीक है, तो लर्न इट एज इट इज समथिंग न्यू दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऐसा अगर मान के चलोगे तो आपको चीज़ें एक्सेप्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, यू विल बी ओपन टू एक्सेप्ट न्यू कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट समझना कितना आसान है। यहाँ पर मैं जो भी बोल रहा हूँ कोई भी मुश्किल बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या रेडी होना है, नए कंसेप्ट सीखने के लिए रेडी होना है, ठीक है। नया कंसेप्ट समझो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे चार फ्रूट एक्जैक्टली सिलेक्ट करने हैं तो मेरे पास ऑलरेडी बास्केट्स में फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है। पहले बास्केट में 6 एप्पल्स रखे हैं, 5 मैंगोज रखे हैं और 4 बनानास रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी बच्चे को केवल एप्पल्स पसंद है, वो चारों के चारों एप्पल्स उठा के निकल जाएगा, केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर आप चारों मैंगोज उठा के चले जाओगे ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप चारों बनानास उठा के चले जाओगे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं कैसे लिख रहा हूँ, केस में कैसे डिवाइड किया मैंने, कि ऑल सेम सिलेक्ट किया मैंने, ऑल सेम फ्रूट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब ऑल सेम किया मतलब क्या है, मैंने कौन सा वाला रिपीट किया, मैंने कौन सा वाला फ्रूट है जिसको मैंने रिपीट किया बार बार, तो वो लिखने का तरीका क्या है, मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं, उनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लिया, 3C1, ठीक है, 3 में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लिया, क्लियर है। ये हमारा पहला केस सॉल्व हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है 3 सेम और 1 डिफरेंट, 3 सेम और 1 डिफरेंट, ऐसा भी एक सिनेरियो जनरेट हो सकता है। लेकिन अब 3 सेम कौन से, कौन से वाले फ्रूट्स हैं जिनके मैं 3 क्वांटिटी में फ्रूट्स उठाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहे हैं, मैं पहले डिसाइड करूँगा इन तीनों में से कौन सा वाला है जिसके मैं 3 क्वांटिटीज में उठाना चाह रहा हूँ फ्रूट्स, ठीक है, समझे। यहाँ पर तीनों में से कौन सा वाला टाइप में उठाना चाह रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे आकर लिख दिया, कैसे लिखा, वो 3C1। एक बार मैंने 3C1 लिख दिया और मैंने सिलेक्ट कर लिया कि लेटर समय एप्पल रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो एप्पल मैंने रिपीट करके रख लिए, ठीक है। अब लेकिन बच्चे कितने, मुझे एक्जैक्टली 4 करने थे ना, इसके बाद मुझे अभी एक फ्रूट और सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि वो एक फ्रूट डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्रूट डिफरेंट होना चाहिए, इसका मतलब अब आप फिर से एप्पल नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपके पास अब इन दोनों में से चॉइसेस है, इन दोनों में से कोई सा भी एक उठा लो तो आपके पास ये पर्टिकुलर सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा जिसमें 3 सेम फ्रूट्स हैं और 1 डिफरेंट फ्रूट है, ठीक है। और ये कितना बन रहा है आपके पास, 6। इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास 6 आंसर आएगा, क्लियर हुआ। ऑलराइट, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, सेकंड थर्ड केस क्या आ सकता है आपके पास, कि आपने ऐसा बोला कि इसके अंदर 2 सेम है और 2 डिफरेंट है, ऐसा भी हो सकता है, 2 सेम है और 2 डिफरेंट है। अब इसमें से कौन सा वाला सेम उठाना चाह रहे हो, मतलब कैसे सिनेरियो है, 2 एप्पल्स 1 मैंगो 1 बनाना, 2 एप्पल्स 1 मैंगो 1 बनाना, ठीक है। तो यहां पर ऐसा अगर मैं करना चाह रहा हूं तो मैं पहले डिसाइड करूंगा कि कौन सा वाला है जिसको मैं रिपीट करना चाह रहा हूं, वो कैसे करेंगे, 3 आपके पास अलग अलग टाइप के फ्रूट्स दिख रहे हैं, इन तीनों में से कोई सा भी एक एंटिटी बताओ मुझे, कोई सा भी एक नाम बताओ फ्रूट का जिसके आप 2 एंटिटीज उठाना चाह रहे हो, ठीक है। वो कैसे पता चला है मुझे, 3C1 बता रहा है कि अच्छा ठीक है, मैंने एप्पल लेटर से पिक किया तो 2 तो मैंने एप्पल उठा के हमारे बैग में रख लिए, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या करना है मुझे, 2 डिफरेंट करना है, इससे अलग होना चाहिए। अगर इससे अलग होना चाहिए तो आपके पास कोई तरीका है क्या, अदर देन दोनों में से एक एक उठा लो, दोनों में से एक एक उठा लो। इस चीज को आप 2C2 लिखना चाह रहे हो तो 2C2 लिखो, कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ भी मत लिखो यहां पर। लेकिन क्योंकि केस बहुत ही क्लियर है, बचा हुआ जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक टाइप का एक एक फ्रूट उठाना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा आपका आंसर, 3 बनेगा। यहां तक तो केसेस ठीक थे, ठीक है। अब क्या करना है, अगर एक और केस बन जाएगा तो हमारा शायद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और केस क्या बनेगा यहां पे, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 सेम है और अगले वाले 2 भी सेम है, लेकिन ये 2 सेम कुछ अलग टाइप के फ्रूट है और ये 2 सेम कुछ अलग टाइप के फ्रूट है, तो लेट अस से इसको डैश लगा देते हैं, 2 सेम एंड 2 सेम डैश, इसका मतलब क्या है, 2 एप्पल्स 2 मैंगोज, ऐसा कुछ तो आपने सिलेक्शन कर लिया, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। अब इस चीज को लिखने के लिए क्या तरीका होता है, यहां पर ही सबसे ज्यादा गलती होती है, इसको ध्यान से समझ लो। जब भी आपको दोनों सेम टाइप के करना हो, आप कैसे करोगे, सबसे पहले एंटिटीज में डिफाइन कर दोगे कि मैं 2 रिपीट कौन से करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर कितने एंटिटीज सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, 2 ही एंटिटीज सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, 2 ही टाइप के फ्रूट्स हैं, ठीक है। 2 सेम उठा लेंगे पहले वाले टाइप के, 2 सेम उठा लेंगे दूसरे वाले टाइप के, ठीक है। कितने टाइप के फ्रूट्स हैं आपके पास, 3 टाइप के फ्रूट्स हैं। 3 टाइप में से मुझे बताओ कौन से वाले 2 टाइप्स हैं जिनके आप 2-2 फ्रूट्स उठाना चाह रहे हो, 3 टाइप में से बताओ मुझे कौन से 2 टाइप्स हैं जिनके आप 2-2 फ्रूट्स उठाना चाह रहे हो, उसको कैसे लिखेंगे, 3C2 से लिखेंगे। 3C2 मतलब कर लिया मैंने, आपने बता दिया मुझे एप्पल और मैंगो। अब मैं आपसे आगे नहीं पूछने वाला, अब मैं क्या करूंगा, एप्पल वाले बास्केट में से आपको 2 एप्पल उठा के दे दूंगा और मैंगो वाले बास्केट में से 2 मैंगो उठा के दे दूंगा, आपके 4 फ्रूट्स हो गए, अब जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर करोगे इसको सॉल्व तो ये भी कितना आएगा, 3 आएगा, और ओवरऑल इतने ही आपके केसेस बनेंगे। इसका एडिशन कितना हो रहा है, इसका एडिशन हो रहा है टोटल 15,
ठीक है, इसका एडिशन हो रहा है टोटल 15 और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब ये आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आप आज का होमवर्क क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यस, आज अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देते नहीं आएगा। ठीक है, और ये उससे बेटर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। यहां पर आपको वर्ड भी बनाने हैं, है ना, यहां पे ध्यान से आंसर लिखने की कोशिश करना, क्योंकि आंसर थोड़ा सा आप बड़ा भी बताओगे तो चलेगा मुझे। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पिजन होल प्रिंसिपल। ऑलराइट, कौन है ये बच्चा, शिखर। ऑलराइट शिखर, पिजन होल प्रिंसिपल बेटा हो सकता है आरएमओ के लिए इंपॉर्टेंट हो, विच इट इज़। ठीक है, आरएमओ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अगर पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ लेना, लेकिन जेई के सिलेबस में पिजन होल प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारी जेई लाइव डेली सीरीज चल रही है इसके अंदर हम वो कंसेप्ट कवर नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, क्लियर। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार फिर से आप लोग देखना, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपको अगर समझ में आ गए तो आपको सिलेक्शन एंटायरली समझ में आ चुका है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो दैट इज इट, है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जल्दी से लाइक करो। आज हमने इतने सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़े लेकिन बच्चों ने आज लाइक नहीं किए। ऑलराइट, दैट इज सो सैड, है ना। यहां पर जल्दी से लाइक करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि यहां पर आपके साथ जो रेगुलर हम लेक्चर्स ला रहे हैं, ठीक है, और जो आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का डेफिनेटली कोई ना कोई फायदा आपको आगे आने वाली जेई मेंस जेई एडवांस एग्जाम में पक्के से मिलेगा। सो कीप फॉलोइंग आवर लेक्चर्स, है ना। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ क्या करोगे आप, यहां पर जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं, जो बढ़िया से हमने यहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। बहुत ही जल्दी वो अपलोड हो जाएंगे, वहां से डाउनलोड करो ताकि आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, रिवाइज करने के लिए डेफिनेटली यू कैन गो बैक एंड सी द एंटायर लेक्चर अगेन, जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा यूट्यूब में, प्लेलिस्ट अलग से बन जाती है, लेकिन तब भी नोट्स अपने पास रखो ताकि आपको ज्यादा यहां पर बेनिफिट मिले रिवीजन के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, और बच्चों आप अगर यहां पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करना चाह रहे हो, आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हो, देन डेफिनेटली यू शुड एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ प्लस। अनअकैडमी प्लस एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको मल्टीपल टीचर्स से मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, जिसका कॉस्ट बहुत ही एक्चुअली कम रखा हुआ है अनअकैडमी ने। ठीक है, अगर आपको और कम करना है देन यू कैन यूज जेई लाइव कोड। जेई लाइव कोड क्या करता है, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट देता है ऑन एंड अबाउ जो एक्चुअली कम प्राइस हो चुका है उसके ऊपर भी। ठीक है, ऑलराइट, सो होप टू सी यू ऑल देयर ऑल्सो, एंड ऑल्सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर जहां पर हम हमारा नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय।